आषाढ़ माह में घर ले आए ये चीजें, 30 दिनों में होगा चमत्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, समय निकाल कर वीडियो को जरूर देखें। आप सभी का आपके चैनल शिव महिमा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर भोले बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदू वर्ष का चौथा महीना कहलाता है आषाढ़ मास। इस मास में भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्य देव की पूजा का विशेष विधान है। आषाढ़ माह का जितना धार्मिक महत्व माना जाता है, उतना ही इसका ज्योतिष शास्त्र में भी विशेष स्थान मौजूद है। आषाढ़ माह में कुछ चीज़ों को घर जरूर लाना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं को घर लाने से न सिर्फ घर में मौजूद नकारात्मकता दूर होती है, बल्कि कई अन्य लाभ भी मिलते हैं। आषाढ़ माह में घर ले आए ये चीज़ें। नंबर एक, आषाढ़ माह में तांबे का सूर घर लाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तांबे का सूर घर लाने से भाग का साथ मिलने लगता है। अगर लाख मेहनत के बाद भी तरक्की नहीं मिल पा रही हो, तो आषाढ़ माह में तांबे का सूर घर लाने से सफलता में आ रही बाधा दूर होती है। नंबर दो, आषाढ़ माह में घर में अक्षत अवश्य लाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अक्षत यानी कि चावल, जो कि धन का प्रतीक माना जाता है, ऐसे में इस माह में अक्षत घर लाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और घर में तरक्की बनी रहती है। धन लाभ के योग बनने लग जाते हैं। नंबर तीन, संघ को शास्त्रों में माँ लक्ष्मी का बड़ा भाई माना गया है। संघ को घर में स्थापित करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है और सकारात्मकता का संचार होता है। आषाढ़ माह में संघ को घर में स्थापित करना और भी शुभ और लाभकारी माना गया है। नंबर चार, आषाढ़ माह में भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल की पूजा का महत्व है। ऐसे में लड्डू गोपाल की प्रिय बांसुरी घर लाने से घर में सुख समृद्धि का वास स्थापित होता है और घर में कैसा भी दोष दूर होने लगता है। इस दौरान कुछ उपायों को करना बेहद लाभकारी माना जाता है। आइए एक नज़र उन उपायों पर भी डालते हैं। नंबर एक, आषाढ़ माह में दान और पुण्य का विशेष महत्व होता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों में अन्न, वस्त्र, काले तिल इत्यादि चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है, पैसों की कमी नहीं आती। आषाढ़ मास में नंबर दो, आषाढ़ मास में भगवान विष्णु और भोले बाबा की एक साथ पूजा करने से कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, भाग का साथ मिलता है, सफलता में योग बनते हैं। नंबर तीन, आषाढ़ मास में एक मिट्टी का घड़ा अपने घर लाएं। घड़े को साफ सुथरा करके एक का सिक्का लाल कपड़े में बांधकर उसमें डाल दें। अब पानी भरकर इसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से धन धान में वृद्धि होती है। नंबर चार, आषाढ़ मास में सूर्य देव को जल अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अर्घ देते समय सूर्य देव के विभिन्न नाम और मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से भाग का साथ मिलता है, कारोबार और करियर में लाभ होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य लिखें।